स्कोडा इनियाक आईवी। इस कार को इंडिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और इस कार का महिंद्रा से भी कनेक्शन है, वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इनियाक आईवी को टेस्टिंग के पर्पज से इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। इस कार की खास बात यह है कि ये सिंगल चार्ज में अप टू 513 किलोमीटर का रेंज दे सकती है और ये BMW i4 और किया EV6 को टक्कर देने के लिए भारत में लॉन्च की जाएगी। स्कोडा की यह कार वोल्सवैगन ग्रुप की MEB इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर महिंद्रा कंपनी की नजर है। महिंद्रा कंपनी भी वोल्सवैगन के इस नए आर्किटेक्चर को अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स में यूज करना चाहती है, जिसके लिए हाल ही में महिंद्रा कंपनी ने वोल्सवैगन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। तो काफी हद तक स्कोडा की इनियाक आईवी की जो बिल्ड क्वालिटी और जो सारे परफॉर्मेंस एंड फीचर्स होंगे वो महिंद्रा की फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार के जैसे होने वाले हैं। खैर, इनियाक आईवी में हमें 77 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया 500 प्लस किलोमीटर का रेंज देती है और ये 125 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। यहाँ पर हमें दो मोटर्स मिलते हैं और ये फोर व्हील ड्राइव को सपोर्ट करती है। ये कार अप टू 265 HP का पावर प्रोड्यूस करती है। 0-100 की स्पीड ये कार 6.9 सेकंड में अचीव कर सकती है। अब इस कार को इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, इसे CBU या फिर कम्प्लीटली बिल्ड अप यूनिट के जैसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी को रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, ये साल भर में सिर्फ 2500 यूनिट्स ही इंडिया में इंपोर्ट कर सकती हैं। बट हाँ, अगर कंपनी को इंडिया में रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ये CBU रूट के बजाय CKD यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेंगी, जहाँ पर ये कंपनी बाहर से सामान इम्पोर्ट करेगी और कार को इंडिया में ही असेंबल करेगी। इससे इस कंपनी को गवर्नमेंट को हैवी इम्पोर्ट टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा।